खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां इंदौर में कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले एक और हॉस्पिटल में सोमवार को मानवता हुई शर्मसार। अन्नपूर्णा इलाके में स्थित यूनिक हॉस्पिटल में 3 दिन पहले भर्ती हुए 80 साल के बुजुर्ग युवक की मौत हो गई। अस्पताल कर्मचारियों ने शव को रखने में लापरवाही बरती, जिसके कारण चूहों ने शव को जगह जगह काट दिया, जिसके बाद परिजनों द्वारा हॉस्पिटल प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं हंगामा शुरू हो गया। मौके पर पहुंचे इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने मजिस्ट्रेट जांच की दिए आदेश। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंदौर में यह पहली घटना नहीं, बल्कि पहले भी सबसे बड़े हॉस्पिटल MYH में लापरवाही सामने आ चुकी है, जिसमें 10 दिन तक लाश को रखकर परिजनों को सूचना नहीं दिया गया था। देखें इंदौर से पूरी रिपोर्ट। सर, मेरे देख रहे हैं आप सभी का, मुझे सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। आपका नाम जान सकता हूँ?